यानी कि गरीबों को हित में हित को देखते हुए इस बार का बजट हमारे सामने पेश किया जाएगा। सर आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें, ये तो बजट की बात हो गई, अगर बात करें डीमोनेटाइजेशन की, तो क्या फार्मर्स के ऊपर, जो किसान है उसके उनके ऊपर किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ा है? क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक, क्योंकि कई तरीके की रिपोर्ट्स आए हैं इसको लेकर? नहीं, इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से, ये निर्णय देश हित में था और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की ही सोच थी कि कैसे हम इस देश में भ्रष्टाचार और कालाधन पर हम कैसे ब्रेक लगाएं, कैसे हम नियंत्रण करें। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसानों में नोटबंदी का कहा जाए कि निश्चित रूप से सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा है, लोग खुश हैं। सर अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं और वेस्ट बंगाल भी उसमें से एक है, जो कि ये कहता है कि हमारी अनदेखी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो इस पर क्या रिएक्शन है, कितनी सच्चाई है इस बात पर? नहीं, ये केंद्र सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए सभी राज्य बराबर हैं और किसी भी राज्य की अनदेखा नहीं की जा सकती। ये मन की भाव की बात है कि हम सोच क्या रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी बंगाल की कभी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की और भारत सरकार के नज़रों में सभी राज्यों के प्रति सम्मान है। किसी की अनदेखा करके इस देश का विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस बात को गलत मानता हूं कि बंगाल की अनदेखी की जा रही है या बंगाल को उपेक्षित किया जा रहा है। सभी राज्यों का समान रूप से विकास होगा, हम विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री का मामला हो, किसी भी मंत्रालय का हो। केंद्र सरकार समग्र विकास के लिए पूरे देश का और देश के ही अंदर में राज है, इसलिए किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सर अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी सारी योजनाएं शुरू की, ऐसे में कौन सा वो प्रोजेक्ट है आपके डिपार्टमेंट का जो आपको लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा है और काफ़ी आगे जा चुका है? ऐसे तो देखा जाए तो हमारे मंत्रालय की दृष्टि से बीच के दिनों में जो 2-3 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए, विशेष रूप से किसानों के कल्याणार्थ कहा जाए कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड का जो कार्यक्रम है, उसके अलावे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाएं जो हैं, ऐसे अनेकों कई प्रकार के, अभी हमने चैनलों के माध्यम से भी स्पेशल किसान रेडी चैनल मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। ये सारे कार्यक्रम जो हैं, मैं समझता हूँ कि किसानों को इसके माध्यम से काफ़ी लाभ पहुँचे हैं। लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगी, अगर बात करें खेती की या किसानों की, तो आजकल उन्नत खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए काफ़ी सारे नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे यूज़ में लाए जा रहे हैं, सभी किसानों तक वो इक्विपमेंट्स पहुँचे, वो यंत्र पहुँचे और किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, उनको ज़मीनी स्तर पर जाकर शिक्षा दी जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? हम प्रयत्नशील हैं, हमारे मंत्रालय के जो भी हमारे इन कार्यों से जुड़े हुए जो भी हमारे संस्थान हैं, चाहे वो शोध का क्षेत्र हो या जो भी नई नई तकनीकियां, चाहे उन्नत बीज के मामले में हो, चाहे उन्नत किस्म के जो खास करके किसानों के लिए जो लाभदायक हो सकता है, जो कारगर हो सकता है, ऐसे सभी चीज़ों को हम प्रयास करें कि सीधा किसानों को इसकी बेहतर ढंग से इसकी जानकारियाँ दी जाए और उन संसाधन किसानों तक पहुँचे और उसी में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2022 तक का जो एक टारगेट रखा है किसानों के संदर्भ में कि हम कैसे उसकी आय को दुगनी करें, तो मैं समझता हूँ कि बिना तकनीकी ज्ञान के और
आज चाहे हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें या जो भी संभव हो सकते हैं, चाहे आज वन क्रॉप की भी जो बात चल रही है कि एक एक बूंद का हम फसलों में कैसे उपयोग कर सकते हैं, आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से या कई जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये हमारे किसानों के उनकी आय बढ़ाने में और किसानों के कल्याणकारी योजनाओं में इन तमाम कार्यों के माध्यम से हम निश्चित रूप से हम सफलीभूत होंगे, सफलता मिले। सर, अगर बात की जाए, इलेक्शन भी नज़दीक है पांचों राज्यों की, और अगर सभी जितनी भी सरकारें आती हैं अक्सर यही देखा जाता है कि किसानों के हित के लिए बात करती है, हमेशा किसान एक टारगेट में रहते हैं, लेकिन सरकार आती तो ज़रूर है लेकिन किसानों का हित नहीं हो पाता है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गन्ने का समर्थन मूल्य हमेशा से उनके जो किसान जो चाहते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है, तो अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है, अन्य राज्यों में आती है, तो किसानों के हित के लिए सोचा जाएगा, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, जैसे कि किसान जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो, उन्हें इस तरीके का कदम ना उठाना पड़े। निश्चित रूप से पांच राज्यों में चुनाव हैं और हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से किसानों के कल्याण की बात की है, हमने किया भी है, और मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप पूछ रही हो तो निश्चित रूप से चाहे वो गन्ने का मामला हो या अन्य किसानों की समस्याओं से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को दूर करने का हम निश्चित रूप से हर संभव, हमारी सरकार निश्चित रूप से किसानों के बारे में उसके उनकी जो भी समस्याएं उन समस्याओं के हल करने के लिए निश्चित रूप से विचार करेगी। सर, अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड एक काफ़ी अच्छी योजना है, तो ये कितने सक्सेसफुली पूरे राज्यों में, अगर बात की जाए तमाम राज्यों में, कितने सक्सेसफुली ये रन कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से इसका जो लाभ है वो किसान उठा पा रहे हैं? ये किसानों के लिए ही उनके लिए एक विशेष योजना के रूप में या किसान क्रेडिट एक कार्यक्रम था, और मैं मानता हूँ कि किसानों ने इस कार्ड के माध्यम से काफ़ी लाभ लिया है, और आज इस कार्ड के माध्यम से निश्चित रूप से उन्हें बैंकों के माध्यम से भी एक तरह से कहा जाए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद बीज या अन्य चीज़ों की, कीटनाशकों की दवाओं की भी जो आवश्यकताएँ पड़ती हैं, एक इसके कार्ड के माध्यम से उन्हें लाभ मिलता है।